मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली जुपिटर के साइन प्लेसमेंट के ऊपर रहेगा नारी एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर के साइन प्लेसमेंट हाउस प्लेसमेंट और नक्षत्र वगैरह को देख के ही ना पूरा लाइफ यहाँ पे डिकोड हो सकता है तो इसीलिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लानेट है देखिए आपके चार्ट में जुपिटर किस साइन में है उसके अकॉर्डिंग आपका नेचर बेसिक नेचर क्या हो सकता है उसका पता लगाया जा सकता है या फिर आपका जो ओवरऑल लाइफ पाथ वो कौन से डिरेक्शन में होगा आपका ओवरऑल मैरिज वगैरह तक का भी पता हम बस एक ही प्लेनेट के प्लेसमेंट से लगा सकते हैं और यहाँ पे जनरली देखिए मैं यहाँ पे बस जुपिटर का साइन प्लेसमेंट थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगी बट आपके चार्ट में हाउस प्लेसमेंट नक्षत्र नक्षत्र लॉट का प्लेसमेंट जुपिटर के ऊपर कोई और प्लानट का एस्पेक्ट है कि नहीं कंजंक्शन वगैरह देख के ही हम यहाँ पर फाइनल कंक्लूशन पर आ सकते ठीक है बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो दी अश्विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें और अगर आप से कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देने के लाइक कर दीजिएगा कॉमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा हमेशा खुश रहिए यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पर चलते हैं तो अभी देखिए जस्ट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जुपिटर एक्चुअली जीव कारक का प्लानेट होता है जुपिटर गॉड को रिप्रेजेंट करता है आपका लक या लक फैक्टर किस डेक्शन में ज़्यादा आपको मिलेगा या फिर कौन से प्रोफेशन में अगर आप जाओगे तो आपका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल सकता है वो भी जुपिटर का प्लेसमेंट बताता है ठीक है तो चलिए आज थोड़ा बहुत साइन वाइज जान लेते हैं कि आपके चार्ट में जुपिटर क्या शो करता है जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजिकली लगना लगना लॉट का प्लेसमेंट देख के वो कहाँ पे प्लेस्ड है आप कहीं ना कहीं मतलब जो ऑपोजिट में पर्सन है उनके बारे में यहाँ पे बोलते हो वैसे ही आप जुपिटर का साइन प्लेसमेंट देख के भी यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दीजिए और इसको अपने अपने चार्ट में और दूसरों के चार्ट में भी अप्लाई करके प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कीजिए ठीक है अभी देखिए जुपिटर अगर आपके डीवन चार्ट में जी हाँ मैं यहाँ पे लगना चार्ट की ही सिर्फ बात करूँगी तो अगर एरीज साइड में प्लेस्ड है तो देखिए जुपिटर एरीज में मतलब यहाँ पे फायर साइड में गया है फर्स्ट फायर साइन में तो यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट होना किसी से भी पसंद नहीं करते हैं दूसरों से ऑर्डर लेना इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी और यहाँ पे इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी रहती है और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ये लोग कोई भी लीडरशिप रोल में बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी मतलब लाइफ में अगर ये लोग करेजियसली इनिशिएटिव मतलब ले तो यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे इन लोगों के अंदर विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखी जाती है और यहाँ पे जैसे कि मंगल के साइन में गया है तो स्पोर्ट्स वग़ैरह में भी ये लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं या फिर इन लोगों को अपने ओवरऑल रूटीन में थोड़ा बहुत जिम या रेगुलर फिज़िकल जो फिटनेस है उसको हमेशा मेंटेन करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ एरीज के साइन में गया है मतलब आपको अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी और यहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के होते हैं ऐसे मतलब नींबू मीठी लगा के बटरिंग करके आपके साथ बात नहीं करते हैं और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि इन लोगों का थोड़ा बहुत एंगर बर्स्ट हो जाता है मतलब यहाँ पे वो थोड़ा बहुत चाइल्डिश एंगर हो सकता है बिकॉज एरीज का साइन कहीं कहीं थोड़ा बहुत चाइल्डिश एनर्जी एक न्यूश एनर्जी को लेकर आता है तो काफ़ी न्यू न्यू चीजें जानना एक बच्चों जैसा वो भी आप इन लोगों के अंदर जरूर देख पाओगे और इन लोगों का जो एंगर होता है ना वो जैसे कि बहुत दिनों तक ये लोग होल्ड नहीं करके रखते मतलब जो भी आया मतलब एंगर आया तो ये सामने से बोल देंगे और फिर शांत भी हो जाएंगे मतलब कुछ ही टाइम के लिए वो ज्यादातर रहता है और इसी वजह से इनके पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो जैसे कि रोमांटिक रिलेशनशिप या मैरिज वगैरह में ये लोग होते तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है बिकॉज़ जैसे कि मंगल की यहाँ पर इन लोगों को एनर्जी मिल रही है तो उस वजह से बट यहाँ पर पैशन रहता है रिलेशनशिप में रोमांस काफ़ी ज़्यादा फायरी काइंड ऑफ रोमांस रह सकता है बट अगेन आपको अपने कहीं ना कहीं स्पीच के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है गुस्से में आप कुछ ऐसा ना बोल डालो जो सामने वाले के फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करते तो आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो उसको आप अपने प्रोफेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए ना कि अपने डेली जो रिलेशनशिप है उसमें और यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पल्सिव एनर्जी या फिर जल्दबाजी करना वो भी यहाँ पर हो सकता है तो उस चीज़ के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत पड़ेंगी अगर ये कोई फीमेल है तो यहाँ पे इनके लाइफ में ब्रदर फिगर मेल काउंटर पार्ट या फिर हस्बैंड वगैरह का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज्यादा देखा जाता है और यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिए उनके साथ रिलेशनशिप थोड़ा बहुत अच्छा बना के चलने की और यहाँ पे देखिए मैं सामने वाले की बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ वो आपके चार्ट से पता लगेगा कि सामने वाला कैसा है बट मैं यहाँ पे बस आपका जो स्ट्रेंथ या वीकनेस है उसके बारे में बात कर रही हूँ अभी देखिए आप लोग कोई भी टेक्निकल फील्ड जैसे कि इंजीनियरिंग फ़ील्ड या फिर आर्मी पुलिस या फिर कोई भी मैनेजेरियल रोल में आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर सकते हो या फिर इंडिपेंडेंट कोई भी प्रोफेशन बिजनेस वगैरह में भी आप लोग अच्छा सकते हो ठीक है अभी देखिए अगर आपका जो जुपिटर है वो यहाँ पे टॉरस के साइन या फिर वृषभ राशि में गया है तो जनरली ये लोग काफी ज्यादा सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं लाइफ में बिकॉज यहाँ पे अर्थ साइन में गया है तो आप लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी और यहाँ पे वेनस के साइन में जुपिटर है तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें आप लोग मतलब अट्रैक्ट करते हो और जैसे कि घर को भी अच्छे से सजाना या फिर खाना हो गया तो भी ये लोग थोड़ा सा प्रॉपरली उसको यू नो डेकोरेट करके खाना पसंद कर सकते हैं या फिर मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ जैसे कि ये लोग थोड़ा बहुत मतलब सेविंग्स के ऊपर फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इनको ज़्यादातर ध्यान

एक्सपेंसिस uh, थोड़ा बहुत मतलब कम करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज़ ये जो फैक्टर है या आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और फ़ैमिली फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल में रहेंगी फ़ैमिली ओरिएंटेड भी ये लोग होते हैं थोड़ा बहुत रिजिडिटी या स्टबननेस को आप अगर यहाँ पर एवॉइड कर दें तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर फूड रिलेटेड फैमिली बिजनेस वगैरह में भी आप लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हो और यहाँ पे जनरली आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर, अगर अपना जो आ, फेस है उसको बहुत अच्छे से मतलब क्लीन रखना यहाँ पे आपको चाहिए बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं जुपिटर जैसे आपका लक का जो फैक्टर है वो टॉरस में गया है तो टॉरस आपका जो फेस है उसको डिनोट करता है तो उसको प्रॉपरली ठीक से रखिए ठीक है, है बिकॉज आपके फेस वैल्यू या फिर आपके वॉइस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है आपके करियर में तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा और फैमिली के साथ थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आप लोगों को अच्छा लग सकता है ठीक है और जैसे कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर वग़ैरह में भी आप लोग यहाँ पे अच्छा कर सकते हो और यहाँ पे मैं ऐसा ही बोल सकती हूँ कि जुपिटर अगर टॉरस के साइन में है तो जनरली यहाँ पे मैरिज भी या कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल में आपका रह सकता है ठीक है अभी देखिए जुपिटर अगर आपके जेमिनाई साइन या मिथुन राशि में गया है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साइन है और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आपका इंटेलिजेंस ही आपका एसेट है तो कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क जहाँ पे आपको ज़्यादातर अपने माइंड का यूज़ करना पड़े वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे आप लोग ज़्यादातर बिज़नेस ओरिएंटेड पीपल होते हो तो कोई भी बिजनेस फील्ड हो गया मार्केटिंग सेल्स वगैरह में आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे या कम्युनिकेशन ओरिएंटेड कोई भी फ़ील्ड जैसे कि मीडिया हो गया या फिर राइटिंग हो गया इन सब में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे थाट प्रोसेस आप लोगों का यहाँ पर ठीक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग पॉजिटिव थिंकर हो तो आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो बिकॉज आप लोगों के अंदर ना क्यूरियोसिटी है जानने का तो इसीलिए नॉलेज गैदर कीजिए इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए बट वो आपके सोल लेवल के लिए पॉजिटिव होना चाहिए बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें मत देखिए मत पढ़िए मत न्यूज सुनिए नेगेटिव न्यूज बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके अंदर नर्वसनेस एंजाइटी वगैरह डाल सकती है तो आपको उन सारी चीज से बचने की जरूरत है फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में रहेंगी और मैरिज में भी जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन पाए उन्हीं के साथ आपको यहाँ पे शादी करने की ज़रूरत है और यहाँ पे मतलब आप लोग जिनके साथ बहुत ज़्यादा ओपनली कम्युनिकेट कर पाओ ऐसा हो सकता है आप लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हो चीज़ों से लोगों से तो ये जो हैबिट है इसको आपको थोड़ा बहुत ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी ट्रैवलिंग वगैरह करते रहिए लाइफ में और बिकॉज़ ये आपके सोल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि सिबलिंग फैक्टर या नेबरहुड ये भी कहीं कहीं आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल में रह सकता है और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी है बिकॉज मिथुन जो साइन है वो चाइल्ड एनर्जी को बहुत ज़्यादा शो करता है और यहाँ पे ये भी देखिए ड्यूअल साइन भी है जुपिटर ड्यूअल साइन में जाना थोड़ा बहुत आपके पर्सनैलिटी को लेके आप इनिशियली खुद ही कन्फ्यूज़ रह सकते हो तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादातर आपको आ, मतलब आ, मेंटली आप थोड़ा बहुत यू नो वरीसम कभी कभी फील कर सकते हो तो बिकॉज ये ना मतलब आप अगर फील कर रहे हो तो आप मतलब कुछ ऐसे पर्सन आपके लाइफ में रखिए जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से बात कर पाते हो अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे चल के कोई गुरु फिगर भी आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है जिनके साथ आप बात करके बहुत पॉजिटिव फील करते हो ठीक है अभी देखिए अगर जुपिटर आपके यहाँ पे जीवन चार्ट में कैंसर साइन या कर्क राशि में गया है तो बेसिकली इमोशनल जो लेवल है वो आपको यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है बिकॉज आप लोग मैं ऐसे बोल सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हो और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो मतलब इनर सेंसिटिविटी बहुत हाई रहता है आप लोगों का और जैसे मदर फैमिली ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में हो सकती है और यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि मतलब छोटी छोटी बातों को ना बहुत ज़्यादा दिल पर मत लीजिए बिकॉज आप बहुत जल्दी हर्ट हो सकते हो तो बिकॉज ये जो मतलब इमो शनल आप लोग तो हो ही बट इसको थोड़ा बहुत मतलब आ, बैलेंस में रखिए ठीक है तो बिकॉज आप लोग जनरली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो बट जो सोसाइटी है वो तो वैसा नहीं है ना तो ये चीज़ को आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रख के आगे बढ़ना होगा हालांकि जुपिटर देखिए अपने एग्जॉल्टेशन साइन में बैठा है कैंसर साइन में तो यहाँ पर जनरली आपका जो लक फैक्टर है वो मतलब मैं बोल सकती हूँ पॉजिटिव है और थोड़ा बहुत मदर का ब्लेसिंग फैमिली का ब्लेसिंग कोई भी मतलब जो एल्डरली फ़ीमेल फिगर आपके फैमिली में है उनका ब्लेसिंग ही आपके लक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है और यहाँ पे जैसे कि मैं बोलूँगी कि आप लोग कोई भी ऐसा प्रोफेशन में जा सकते हो जो थोड़ा बहुत केयर गिविंग काइंड ऑफ प्रोफेशन हो जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन हो गया नर्सिंग से रिलेटेड हो गया टीचिंग से रिलेटेड हो गया या फिर जहाँ पे आपका रोल थोड़ा बहुत केयर टेकर वाला हो या फैमिली से जुड़ा कोई भी प्रोफेशन में भी आप लोग अच्छा कर सकते हो फूड रिलेटेड प्रोफेशन में भी आप लोग अच्छा कर सकते हो और देखिए रिलेशनशिप में मैं बोल सकती हूँ यू आर द काइंड ऑफ अ गिवर पर्सन लाइक आप लोग यहाँ पे जो बिकॉज ये ना वाटर साइन या बहुत प्योर वाटर होता है कैंसर का तो आप लोग क्या है कि मतलब सिचुएशन के साथ साथ ना खुद को चेंज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है मतलब मैं बोल सकती हूँ फ्लेक्सिबिलिटी है मूवेबल साइन है सो so फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसी वजह से रिलेशनशिप में आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हो पार्टनर का जो भी नीड्स है उसको माइंड में रख के ही आप लोग आगे बढ़ते हो इसीलिए जनरली ज़्यादातर मतलब आप लोग रिलेशनशिप uh, में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता बट हाँ इमोशनल वर्नरेबिलिटी को आपको थोड़ा सा मतलब काबू में रखना होगा जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब छोटी छोटी बात को दिल पे ऐसे लगा के हर्ट हो जाते हो बहुत जल्दी तो उसके थ्रू आपका एंगर बर्स्ट हो सकता है रिलेशनशिप में जो कि आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है ठीक है तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रख के आगे बढ़ोगे तो आपका जो ओवरऑल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे जाएगा ठीक है अभी देखिए अगर जुपिटर आपके सिंह राशि या फिर लियो के साइन में गया है तो आप लोगों के लिए मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ फायर साइन में गया है तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग एक्शन में बिलीव करते हो ज़्यादातर यू डोंट बिलीव इन वर्ड्स यू बिलीव इन एक्शंस मीन्स वो होता है ना कि मतलब जैसे कोई भी पर्सन आपको कुछ बोल दे कि मतलब आप उसमें ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हो ठीक है और यहाँ पे जनरली आप लोग दूसरों को भी बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो और एक इनर मोटिवेशन एक ऑप्टमिज़म भी आपके लाइफ में ज़्यादातर देखा जाता है कोई भी फादर फिगर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप आपके लाइफ में या गवर्नमेंट ऑथोरिटी मतलब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट या ऑथोरिटेटेटिव पोस्ट में आप लोग जाना चाहते हो मतलब एक बिग पोस्ट लाइफ में आपका यहाँ पे गोल हो सकता है अचीव करना पॉलिटिकल फील्ड में भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे मैं बोलूँगी कोई भी लीडरशिप पोस्ट मैनेजेरियल पोस्ट में आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो या फिर कोई भी क्रिएटिविटी रिलेटेड प्रोफेशन बिकॉज लियो साइन बस ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का ही साइन है बिकॉज़ ये फिफ्थ नंबर साइन है तो यहाँ पर क्रिएटिविटी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होता है जैसे कि आप लोग मैं बोल सकती हूँ ये बोलना भी मतलब गलत नहीं होगा कि दूसरों से अप्रिसिएशन सुनना या फिर सेंटर ऑफ अटेंशन बनना भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो और एक काइंड kind ऑफ of, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि अगर ग्लैमर फील्ड में भी आप लोग जाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का वहाँ पे भी मोटिव होगा कि आप वहाँ पे नंबर वन जो स्टेटस है वही अचीव करो मतलब एक सेलिब्रिटी लाइक लाइफ स्टाइल मैं बोल सकती हूँ आप लोग अचीव करना चाहते हो अपने ओवरऑल लाइफ में स्परिचुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में रहेगा बिकॉज फिफ्थ हाउस का साइन है तो थोड़ा बहुत अगर आप स्परिचुअल प्रैक्टिस ज भी रेगुलरली कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और यहाँ पे मैं देखिए बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मतलब साइन में गया है बिकॉज सन के साइन में जुपिटर का जाना कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ पैसिवली ही क्यों ना सही एक जीवात्मा योग बना रहा है तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है ये जो प्लेसमेंट बट यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि अगर सामने वाला आपको प्रॉपरली अप्रिशिएट ना करे या फिर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पर कहीं ना कहीं वो लोग मतलब यहाँ पर हर्ट uh, करके बात कर रहा है तो वहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो सकते हो और और वो चीज रिलेशनशिप में नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है ईगो को रिलेशनशिप के बीच में नहीं आने देना है कॉन्फिडेंट होते हो आप लोग ये काफ़ी अच्छी बात है बट ओवर कॉन्फिडेंस वो बुरी बात है तो उसको रिलेशनशिप में हावी नहीं होने देना है कोई भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आपको बचने की ज़रूरत है बिकॉज अगर लियो में जुपिटर है और सपोज सन एफ्लिक्टेड हो गया या जुपिटर के साथ कोई नेगेटिव प्लानट आके बैठ गया एस्पेक्ट दे दिया मतलब जुपिटर इज इज़ इन अ एफ्लिक्टेड कंडीशन इन योर लियो साइन देन ये जो लियो का पॉजिटिव फैक्टर्स मैंने अब तक बताया वो कहीं ना कहीं नेगेटिव काम करना स्टार्ट हो जाएगा फादर का ब्लेसिंग या कोई भी फादरली फिगर का ब्लेसिंग आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और लकी भी रहेगा ठीक है अभी देखिए अगर जुपिटर आपके वर्गों के साइन में या कन्या राशि में गया है तो मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लॉजिकल या एनालिटिकल पर्सन होते हो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हो बिकॉज़ वर्गों का साइन जो अर्थ साइन है और यहाँ पे ड्यूअल साइन भी है तो थोड़ा बहुत डुएलिटी आपके अंदर रह सकती है आपके थॉट प्रोसेस में रह सकती है बट ये जेमिनाई वाला डुएलिटी नहीं है जिसमें आप लोग कन्फ्यूज रहते हो बिकॉज़ वर्गों का साइन हार्ड वर्किंग साइन है तो आप लोग हार्ड वर्क में ज़्यादा बिलीव करते हो करियर में ज़्यादा बिलीव करते हो यहाँ पर जैसे कि कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में आप लोग अच्छा कर सकते हो हीलिंग प्रोफेशन में भी आप लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हो या फिर जो जो भी जैसे मरकरी रिलेटेड जो भी डोमेन है जहाँ पे इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज़ होता है जैसे कि लॉजिक का ज़्यादा यूज होता है अभी वो डेटा रिलेटेड कोई काम भी हो सकता है आई फील्ड भी हो सकता है अकाउंट्स या फिर फिनेंस रिलेटेड कोई वर्क में भी आप लोग अच्छा कर सकते हो मीडिया या कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो लॉयर आप लोग काफ़ी अच्छा बन सकते हो ठीक है अभी यहाँ पे देखिए कि मैं बोलूँगी कि आप लोग ना चीज़ों को जैसे मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेके काफ़ी पर्टिकुलर होते हो मतलब चीज़ों के डिटेल्स को लेके काफ़ी पर्टिकुलर होना तो ये चीज़ कभी कभी थोड़ा बहुत परफेक्शनिज़्म जो चीज़ है उसको आपके अंदर पैदा कर देता है तो मतलब साफ़ सफाई काफ़ी आप लोग पसंद कर सकते हो बट यही थोड़ा बहुत नेगेटिवली काम कर सकता है बिकॉज रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपके जैसा उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज ना हो वो आपके जैसा उतना ज़्यादा चीज़ों को ढंग से ना रखता हो साफ सफाई ना रखता हो तो ये थोड़ा बहुत आपके लिए एनॉइंग हो सकता है इसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ों को ले रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन आ सकता है तो आपको अपने इस नेचर को थोड़ा सा ओवरकम करने की जरूरत पड़ेगी हालांकि आपके अंदर बहुत ज्यादा एक हीलिंग जो एनर्जी है हीलर वाला जो एनर्जी है वो रहता है वो आप मतलब कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में हो चाहे ना हो ठीक है और यहाँ पे आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी आप लोग देते हो और यहाँ पे मैं बोलूँगी आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा घूमना फिरना ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा थोड़ा बहुत एनिमल्स के लिए भी कुछ करना स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स वग़ैरह के लिए ये भी आपके लिए लक फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है या फिर थोड़ा बहुत अंडर प्रिविलेज जो पीपल है उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ कीजिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपका जो मम्मी के जो रिलेटिव्स है मतलब मैटरनल साइड या मैटरनल अंकल वगैरह का भी थोड़ा बहुत रोल यहाँ पे आपके ओवरऑल लाइफ में देखा जा सकता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने खाने पीने अपने डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए बिकॉज वर्गोसाइन बाय डिफॉल्ट थोड़ा बहुत डिजीजेस को शो करता है तो थोड़ा डाइजेशन वगैरह का इशू ना हो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है बहुत ज्यादा काम में डूब ना जाइए जा, ताकि मतलब आप लोग ऐसे खाने पीने के ऊपर ही आप, आपका ध्यान चला जाए और यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब आपके एनिमीज वगैरह भी हो सकता है स्पेशली कलीग्स वगैरह से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है वर्क कल्चर में थोड़ा बहुत मैं बोल सकती हूँ एनिमिटी वगैरह का आपको सामना करना पड़ सकता है ठीक है बट आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब मेल और फीमेल आप जो भी हो आपके अंदर ना एक फेमिनिन जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी जाएंगी मतलब जो नर्चरिंग जो सॉफ्ट हार्टेड क्वालिटी है वो भी देखी जाएंगी बिकॉज जो वर्गों का सिंबल है वो मतलब एक लेडी को ही रिप्रेज़ेंट करता है ठीक है अभी देखिए अगर जुपिटर आपके यहाँ पे तुला राशि या लिब्रा के साइन में गया है तो एगेन इट गोज़ इन टू अ एयर साइन तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आप लोगों का नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल जो वर्क है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नेचर वाले पर्सन आप लोग होते हो जी हाँ यहाँ पे जनरली मतलब हर एक चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करना ही आप लोगों के लिए बिगेस्ट चैलेंज है लाइफ का बिकॉज़ प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ मैरिज को आप लोग कैसे बैलेंस आउट करके आगे बढ़ रहे हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी अभी देखिए एयर साइन में गया है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकर होते हो फ्रीडम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि रिलेशनशिप में या मैरिज में स्पेस मतलब एक दूसरे को दीजिए बिकॉज़ वो चीज़ रिलेशनशिप के हारमोनी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है अगर आप मेल हो तो फ़ीमेल्स आपके ओवरऑल लाइफ में या रिलेशनशिप ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी या फिर फीमेल्स के लिए भी कोई भी और फीमेल्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है मैरिज विल प्ले अ बिग यू नो बिग इवेंट इन योर लाइफ और टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ ठीक है तो इसीलिए मैरिज पार्टनर बहुत ध्यान से आप लोगों को चुनने की ज़रूरत है कोई भी पार्टनरशिप प्रोफेशन में भी आप लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हो डिपेंड्स कि आपके चार्ट में और भी प्लैनेट्स का कैसा कंडीशन है और कोई भी क्रिएटिव फील्ड वगैरह जैसे कि वेनस का साइन है ब्यूटीफुल चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी यही मतलब शो करता है और कोई भी ऐसा काम जहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत पब्लिक डोमेन में जो लोग काम करते हैं तो वैसे कोई काम में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ जनरली देखिए लिब्रा के साइन में गया है तो लॉ रिलेटेड फील्ड में भी आप लोग यहाँ पे अच्छा कर सकते हो या फिर कोई भी जैसे एयर से जुड़ा हुआ जैसे कि यहाँ पे पायलट वगैरह बनने का अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो वैसे किसी प्रोफेशन में भी आप लोग जा सकते हो तो मतलब एयरलाइन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा ठीक है बट यहाँ पे वही है कि अगर लिब्रा के साइन में जुपिटर है तो वेनस रिलेटेड चीज़ों का अगर पॉजिटिव साइड में देखो तो क्रिएटिविटी वगैरह तो सही है बट वही अगर नेगेटिवली ओवर इंडेलिजेंट नहीं होना है आपको जैसे कि ओवर इंडेलिजेंस इन रिलेशनशिप इन पार्टी और यू नो एल्कोहल वग़ैरह वो एक नेगेटिव साइड है लिब्रा का या फीमेल्स तो उससे आपको थोड़ा बहुत बचने की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है अभी देखिए अगर जुपिटर आपके डीवन चार्ट में स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में गया है तो ये जनरली लाइफ पैटर्न को थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन या सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ दिखाता है लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है सडनली कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे लाइफ पूरा चेंज हो गया स्पेशली डेथ और रिवर्ड वाला जो वर्ड है वो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ कोई भी पर्सन कोई भी रिलेशनशिप का सडन एंडिंग उसके बाद एक नई बिगिनिंग तो ये जुपिटर इन स्कॉर्पियो साइन का एक मतलब ब्यूटी भी है और एक तरीके से कर्स भी है बट यही देखिए स्कॉर्पियो के साइड में चला गया है तो यहाँ पे ऑकल्ट रिसर्च रिलेटेड फील्ड में आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो इन लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट एस्ट्रोलॉजी के तरफ एक इंटरेस्ट देखा जाता है और यहाँ पे जैसे कि आप उन्हीं फ़ील्डों में आ, मतलब अच्छा करके लाइक गुरु लाइक फ़िगर भी आप लोग बन सकते हो ठीक है अभी देखिए मैं यही बोलूंगी कि जुपिटर अगर वृश्चिक राशि में गया है तो अगेन स्पेशली फॉर फीमेल्स मैरिज या पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा केयरफुली यहाँ पे आपको पार्टनर चुनने की ज़रूरत है बिकॉज मंगल का ये जो सेकंड नंबर साइन है स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि हिडन uh, फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप भी थोड़ा बहुत सीक्रेटिव पर्सन हो या फिर आप भी कुछ ना कुछ मतलब हिडन चीज़ आपके अंदर भी है आप भी लोगों के साथ जब बात करते हो तो सब कुछ ऐसे ओपन बुक आप नहीं हो तो ये चीज़ आपके अंदर भी है और यहाँ पे ना मैं ऐसे बोल सकती हूँ कुछ ना ग्रज होल्ड करके मत रखिए बिकॉज ये कहीं ना कहीं मतलब रिवेंट जो लेने की टेंडेंसी है उसको मतलब बढ़ा सकती है तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है आप लोग अगर लाइफ में अच्छा करोगे तो ऐसा होगा कि बहुत लोग आपसे जेलस होंगे आपके बहुत ज़्यादा हिडन एनिमीज बन जाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पे वाइस वर्सा यहाँ पे काम करता है और यहाँ पे मैं ऐसे ही बोलूंगी देखिए स्कॉर्पियो के साइन में जुपिटर गया है तो फीमेल्स के लिए मैं यही बोलूंगी कि जब भी कोई मेल आप लोग चूज करो मेल पार्टनर तो उनका मतलब पूरा बैकग्राउंड वगैरह एकदम अच्छे से देख के ही आपको मैरिज में जाने की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो के साइन में गया है तो कोई भी रिसर्च रिलेटेड फ़ील्ड हो गया या फिर ऑयल पेट्रोलियम से रिलेटेड वर्क हो गया या फिर मैं बोल सकती हूँ कि इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड वग़ैरह में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि स्कॉर्पियो के साइन में गया है तो आप लोग के अंदर विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है किसी भी सिचुएशन से आप बहुत जल्दी ऐसे हार नहीं मानते हो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है तो इसीलिए आपको अपने विल पावर को बहुत अच्छे से चैनलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी रेगुलर कुछ ना कुछ मेडिटेशन योगा वग़ैरह करते रहिए ठीक है, है और बिकॉज़ आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो फाइट करने के स्पिरिट है वो हिडन है तो उसको थोड़ा अनकवर करने की ज़रूरत है और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ इन लॉज़ वग़ैरह का रोल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके ओवरऑल लाइफ में और मैरिज में वही मेल uh, और फीमेल इरेस्पेक्टिव ऑफ बोथ आप uh, कौन से पार्टनर को चूज़ कर रहे हो बिकॉज जैसे कि पैशन इंटीमेसी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल में रह सकती है और थोड़ा बहुत सडन फैक्टर्स की वजह से रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आ सकता है तो उस चीज़ को आपको थोड़ा बहुत ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल लाइफ पैटर्न आप लोगों का हो सकता है बिकॉज स्कॉर्पियो का एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी को डिनोट करता है इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं भी फॉलो करते हो बट फिर भी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी का कुछ ना कुछ मतलब आपका प्रैक्टिस होना चाहिए बिकॉज ये आपके इम्पल्सिस को मतलब एकदम सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने का काम करेगा ठीक है अभी देखिए अगर जुपिटर आपके सेजिटेरियस साइन या धनु राशि में गया है तो एगेन यहाँ पे खुद के साइन में प्लेस्ड है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मतलब लक का कारक लक के ही मतलब साइन में चला गया धनु राशि या सेजिटेरियस तो इससे पॉजिटिव बात और क्या हो सकती है बट आप लोग लकी तो काफ़ी ज़्यादा होते हो बट एगेन मैं यहाँ पर बोलूँगी आप लोगों के अंदर भी फायर क्वालिटी और डुअल क्वालिटी एक साथ मौजूद है मतलब आप लोग भी किसी से ऐसे डोमिनेट होना पसंद नहीं करते हो और यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि आप लोग भी एक्शंस में ज्यादा बिलीव करते हो रेदर देन वर्ड्स और आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी सोल काफी ज्यादा एडवेंचरस सोल होता है यू लव टू कलेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन्स और यहाँ पर जैसे कि कोई भी नए नए प्लेसिस में ट्रेवल करना डिफ़रेंट कल्चर के लोग फ़ारेन कल्चर के लोगों से आपको ज़्यादा मदद ज़्यादा लक वहाँ से मिल सकती है रैदर दैन आपका होम कंट्री ठीक है तो इसी लिए आपका जो करियर है वो भी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ आपको ज़्यादा डील करना पड़े और यहाँ पर फॉरन तक मतलब आपको जाना पड़ सकता है या फिर ट्रैवलिंग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में रह सकती है और आप लोग मैं ऐसे बोल सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड पर्सन होते हो मतलब यू नो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक काइंड ऑफ तो वैसे आप लोग होते हो जो होते हो मुँह के ऊपर होते हो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ है जो आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और यहाँ पर आप लोग काफ़ी अच्छे एडवाइजर्स होते हो एक मतलब आप एक टीचर और प्रोफेसर हो चाहे ना हो बट लोग आपको कहीं ना कहीं वैसे ही कंसीडर करते हैं बिकॉज आपका एडवाइजेस दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और यहाँ पे बहुत अच्छे काउंसिलर लॉ फील्ड में भी आप लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हो टीचिंग फील्ड हो गया रिलीजियस कोई भी फील्ड में आप लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हो जहाँ पर दूसरों को नॉलेज दे गाइडेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़े या फिर ट्रेवल रिलेटेड कोई भी फील्ड में आप लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हो यहाँ पर जैसे कि इम्पोर्ट uh, एक्सपोर्ट से रिलेटेड या फॉरेन लैंग्वेजेस से रिलेटेड कोई भी काम जैसे आईटी सेक्टर हो गया वहाँ पे भी आप लोग अच्छा कर सकते हो बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ आप लोग होते हो और यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे ओल्ड स्क्रिप्चर्स वगैरह उसका भी आप अगर थोड़ा बहुत रीड करोगे एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा फॉलो करोगे तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा uh, अच्छी रहेंगी ठीक है और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू या मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बोलूँगी कि जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बन पाए उन्हीं के साथ आपको शादी का डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज़ एक आपके अंदर खुद भी है, आप खुद भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज रहते हो चीजों को लेके, तो इसीलिए फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी और यहाँ पे मैं वही बोलूंगी कि ऑप्टिमिज्म आपके अंदर काफी है बट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाइए वो चीज थोड़ा बहुत मतलब आ, बैड इम्पैक्ट दे सकती है लाइफ में और रिलेशनशिप या मैरिज में एक दूसरे को स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली आप लोगों के लिए तो फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऐसे किसी पार्टनर के साथ ही इन्वॉल्व होना अच्छा है जो आपको प्रॉपरली फ्रीडम दे आप भी उनको प्रॉपरली फ्रीडम दो तो तो ही आप लोगों का जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है हालाँकि यहाँ पे गॉड का ब्लेसिंग हमेशा कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ चलता रहता है अभी देखिए अगर जुपिटर आपके म, मकर राशि या केपरी साइन में चला गया तो इसे हम डेविलीटेड पोजिशन मानते हैं जुपिटर का तो अभी देखिए इसको देख के ऐसे आउट होने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज केपरी में जुपिटर हो या कोई भी और प्लानिट हो वो थोड़ा बहुत इनिशियली ट्रबल या सेटबैक लेके आता है बिकॉज मतलब जो केपिकॉन का साइन है वो थोड़ा सा मतलब आपके अंदर के लिमिटेशंस जो भी है या फिर आपके अंदर का जो फियर्स है उसको ज़्यादातर मतलब यहाँ पे चैलेंज करता है तो उसको आप विध एज ओवरकम कर पाते हो तो इसीलिए थोड़ा बहुत डिले आप लोगों के लाइफ में देखा जाता है चीज़ों को ले या फिर थोड़ा बहुत एक रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी वो कोई फादर फिगर कोई हस्बैंड फिगर कोई ऑथोरिटेटि फिगर से भी आपको मिल सकता है लाइफ में और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि केप्रिकॉन साइन में जुपिटर गया है तो करियर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में खुद कुछ इस्टेब्लिश करके दिखाना यही आपके लाइफ का सबसे बड़ा गोल है और यहाँ पे गवर्नमेंट में भी ये लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं जनरली जुपिटर जिनका भी केपटिकॉन में मैंने आज तक देखा है ज़्यादातर लोगों को मैंने करियर में इन्वॉल्व पाया है और उन लोगों को ज़्यादातर मैंने बहुत अच्छा लाइफ में करते देखा है करियर डोमेन में मतलब ज़्यादातर कुछ ना कुछ मैनेजेरियल रोल में है कुछ ना कुछ लीडरशिप रोल में है कोई पॉलिटिक्स में है तो ऐसा ज़्यादातर मैंने चार्ज्स देखा है बट रिलेशनशिप में इन तो को थोड़ा बहुत ट्रबल होता है बिकॉज आप लोग जैसे कि ऐसा भी हो सकता है करियर की वजह से टाइम मैनेज ना कर पाना या फिर आपका जो वेबलेंथ है उसके साथ शायद दूसरों का नहीं मैच करता है तो इस वजह से यहाँ पर चीजें थोड़ा बहुत बाई डिफॉल्ट आपको प्रॉब्लम देता है या फिर आपको यहाँ पर पे पे पेशेंस रख के रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे केपरीकॉन साइन में गया है तो जैसे मैंने बोला कोई भी गवर्नमेंट फील्ड कोई भी ऑथोरिटेटिफ फील्ड में आप लोग काफ़ी अच्छा करोगे टेक्निकल फील्ड में भी अच्छा करोगे पॉलिटिकल फील्ड सोसाइटी के लिए कोई भी वर्क में आप लोग काफी अच्छा करोगे बट यहाँ पे देखिए मटेरियलिस्टिक आपको तो मतलब आप लोग वैसे भी थोड़ा बहुत होंगे बट साइड बाय साइड थोड़ा बहुत आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ना है यहाँ पे कोई भी गुरु फिगर या कोई भी एस्ट्रोलॉजर को अगर आप कंसल्ट कर रहे हो तो बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज जुपिटर डेबिलिटेटेड हो गया है तो ज़्यादातर मतलब उनसे आपको सही गाइडेंस ना मिलने की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी होती है तो थोड़ा बहुत ध्यान से अपना गुरु या अपना जो गाइड है उसको लाइफ में आपको चूज करने की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि अपना जो भी मतलब देखिए जूपिटर यहाँ पे केप्रिकॉन में बैठ के ना आपको बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी प्रोवाइड करेगा और काफी ज्यादा लाइफ में वो आपको स्टेबल कैसे होना है मतलब एक स्टेबिलिटी आप लोग लाइफ में ज्यादा यहाँ पे आप लोगों का डिमांड होगा तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है बिकॉज़ ये आपको लाइफ में मोटिवेट करेंगी कि आप लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ो और ज़्यादा अच्छा काम करते रहो ठीक है थोड़ा बहुत अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए ज़रूरतमंद के लिए दान कीजिए डोनेशन कीजिए तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली काम करेगा अभी देखिए अगर यहाँ पे जुपिटर आपके या कुंभ राशि में गया है तो आप लोग बहुत ज़्यादा यू नो साइंस या लॉजिक के ऊपर बिलीव करते हो काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल और मिस्टीरियस काइंड के सोल आप लोग होते हो और रिसर्च वगैरह में आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हो जैसे कि यहाँ पे प्लैनेट्स वगैरह भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी आपका इंटरेस्ट आ सकता है और यहाँ पर कोई भी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि मोबाइल या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज की तरफ भी आपका यहां पे इंटरेस्ट हो सकता है ये लोग ज्यादातर आईटी फील्ड एमएनसी वगैरह या फिर कोई भी एनजीओ वगैरह से जुड़ के भी आप लोग अगर काम कर रहे हो लाइक सोसाइटी के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज्यादा लकी साबित हो सकता है और यहाँ पर आप लोग मैं ऐसे बोल सकती हूँ हु, ह्यूमनिटेरियन सोल हो जी हाँ मतलब दूसरों का जो पेन है वो कहीं ना कहीं आप फील कर पाओगे और आप लोगों को जरूरत है कि कुछ ना कुछ आप सोसाइटी के भले के लिए कीजिए बिकॉज उसका रिटर्न आपको काफी ज़्यादा अच्छे से मिलेगा और यहां पे मैं जनरली बोल सकती हूं राशि में गया है तो आप लोगों के अंदर भी एक मिस्टीरियस एनर्जी है आप लोग भी जैसे कि एयरलाइंस या ट्रेवलिंग वगैरह काफी ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर सकती है तो इन्हीं किसी फील्ड में भी आप लोग करियर भी बना सकते हो और यहाँ पे देखिए फ्रीडम आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुंभ राशि में गया है तो अगेन यहाँ पे स्पेस देना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मायने रखेगा रिलेशनशिप में और यहाँ पे देखिए एक राहु लाइक एनर्जी है तो इसी वजह से आप लोग शायद फॉरेन में जाना चाहोगे या फॉरेन कल्चर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकती है और यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों के लाइफ में भी डिले एक पैटर्न हो सकता है चीज़ें आपको मिल तो जाती है बट थोड़ा बहुत डिले से थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने से और थोड़ा टाइम लगा के आप आपको चीजें हासिल करनी पड़ती हैं तो अगेन यहाँ पे पेशेंस अगर आप रख के आगे बढ़ोगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि जुपिटर अगर यहाँ पे कुंभ राशि में गया है तो यहाँ पे रिलेशनशिप के एंगल से या मैरिज के एंगल से आप लोगों को ना खुद के अंदर भी थोड़ा सा ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी एनर्जी है उसको भी थोड़ा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत पड़ेंगी बाकी आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दूसरों का जो पेन है वो फील कर पाते हो तो इसीलिए आप लोग रिलेशनशिप में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे ठीक है अभी देखिए जुपिटर अगर आपके मीन राशि या पाइसिस के साइन में गया है तो यहाँ पे जनरली एक वाटर साइन और जुपिटर ख़ुद के साइन में प्लेस्ड है तो काफ़ी ज़्यादा ये प्योर एक एनर्जी प्रोवाइड करता है और जनरली फॉरेन लैंड्स वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल में रहेगा आपके लाइफ में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा बट यही है कि जूपीटर अगर पाइसिस में है तो आप लोग विथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है जो कि मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा यू नो नेगेटिव हो सकता है बिकॉज़ आप अगर बहुत ज़्यादा यू नो स्परिचुअल बन गए आपका वेब लेंथ या आपका एनर्जी अगर बहुत यू you नो know, वो हायर लेवल पर चला गया तो वो चीज़ ना आसानी से एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पाएगी मतलब आप फिर मतलब पार्टनर ढूंढने में आपको परेशानी हो जाएगी या फिर मैरिज के बाद कुछ ना कुछ तरीके से परेशानी आ सकती है यहाँ पे देखिए पाइसिस के साइन में गया है तो ये लोग मैं ऐसे बोलूँगी काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल होते हैं और यहाँ पे जैसे कि थोड़ा बहुत डुअलिटी इनके अंदर भी होती है बिल्कुल बिकॉज सिम्बल वाइज भी जैसे दो फिश का यहाँ पर सिम्बल है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब लाइफ में उस तरफ मतलब कोई भी डरेक्शन को लेके वहाँ पर आगे बढ़ना है या फिर स्किप कर जाना है मतलब थोड़ा बहुत भाग जाना या स्किप कर जाने की टेंडेंसी भी होती है जो थोड़ा नेगेटिव है यहाँ जहाँ पे कोई भी हॉस्पिटलिटी रिलेटेड प्रोफेशन हीलिंग प्रोफेशन क्रिएटिव प्रोफेशन जहाँ पे इमेजिनेशन इन्वॉल्व हो वहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हो या फिर जहाँ पे वाटर रिलेटेड लाइक नेवी वगैरह में भी आप लोग अच्छा कर सकते हो या फिर फॉरेन वगैरह में भी आप लोग यहाँ पर जा सकते हो वहाँ पर भी करियर में आप अच्छा कर सकते हो थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और यहाँ पे देखिए पाइसिस में जुपिटर है ये तो बहुत अच्छी बात है बट अगेन पाइसिस थोड़ा बहुत वो आप समझ लो अल्कोहल वगैरह या कोई भी एडिक्शन वगैरह स्लीपिंग पैटर्न को भी डिस्टर्ब करने वाला एक साइन है तो इसीलिए आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर पाइसिस साइन बहुत एफ्लिक्टेड है तो यहाँ पर यू नो बेट कम्फर्ट्स वग़ैरह में भी प्रॉब्लम होना या फिर उसमें ओवर इंडलिजेंस हो जाना तो ये भी हो सकता है तो उसको आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है और अगेन यहाँ पे कोई भी गुरु का साथ गुरु का सपोर्ट उनका आशीर्वाद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ में मायने रखेगा आपके फैमिली में जो भी बड़े हैं उनका सपोर्ट आप लोगों के साथ हमेशा किसी ना किसी तरीके से रहेगा या फिर आपके जो फोर फादर्स हैं बिकॉज पाइसिस का साइन कहीं ना कहीं फ़ोर फादर्स को भी डिनोट करता है तो उन लोगों का मतलब ब्लेसिंग भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदेमंद रहेगा आप लोग भी थोड़ा बहुत आइसोलेटेड रहना पसंद करते हो आप लोगों के लिए भी आइसोलेशन में के अगर आप कोई भी ठंडे दिमाग से डिसीजन लोगे लो या फिर काम करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव उसका आउटकम निकल के आएगा ठीक है तो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जुपिटर अगर आपके एरीज से लेके पाइसिस में किसी भी साइड में प्लेस्ड है तो आपको उस मुताबिक कैसा रिजल्ट मिलेगा तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय